हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। मैं आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये इंडियन कोस्ट गार्ड में ये लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ रखा है। इस रिक्रूटमेंट की मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा कि इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, चलो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, दिखाता हूँ आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से किस में वैकेंसी अप्लाई करी गई है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पोस्ट है ग्रुप बी में आ रखी है, ग्रुप बी में आ रखी है इंडियन कोस्ट गार्ड के चार्ज मैन की ये पोस्टें हैं फ्रेंड्स। इसमें जो आपको टोटल 9 पोस्टें मिलेंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी देख सकते हैं फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी आपका डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिक या फिर मराइन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। स्टार्टिंग डेट आपकी 14 अगस्त 2021 है और लास्ट सबमिशन 30 डेज है फ्रेंड्स। आपकी जो पे लेवल होती है वो 35,000 से स्टार्टिंग है आपकी और 1,12,000 तक आपकी मैक्सिमम रहेगी सैलरी। एज लिमिट 30 रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस आप सकते देख सकते हैं, रिटर्न टेस्ट होगा फ्रेंड्स। और जो ये वैकेंसी है ये आपकी ऑफलाइन अप्लाई की जाएगी। जो आपको ये पोस्टल एड्रेस दे रखा है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पोस्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट लगा के। आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये पे लेवल 6 का जो आपको पे लेवल मिलेगा, नेम और पोस्ट दे सकते हो। चार्जमैन का पोस्ट है ये आपका और इसमें टोटल 9 वैकेंसी है जो कि अलग अलग पोस्टों के लिए आ रखी है। जैसे कि मैं दिखा रहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपका 2 ईयर का डिप्लोमा है प्लस में मैकेनिकल इलेक्ट्रिक या मराइन में तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले तो रिटन टेस्ट होगा फ्रेंड्स, उसके बाद आपका और आपको फ्रेंड्स जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं फ्रेंड्स, वो आपको अपलोड बाय पोस्ट में आपको भेजना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहा हूँ, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली भरना होगा और बाय पोस्ट इस एड्रेस पे आपको कुरियर करना होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।